पुलिस थाना फतेहपुर के तहत पड़ते थाना क्षेत्र में बीती रात चार लोगों द्वारा एक व्यक्ति पर कातिलाना हमला करने के बाद फिल्मी स्टाइल में अगवा कर अपने आका के आगे पेश कर बंधक बनाने का मामला प्रकाश में आया है। कातिलाना हमला करने वाले व मारपीट करने पर पुलिस थाना फतेहपुर में चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस बारे जानकारी देते हुए थाना प्रभारी फतेहपुर राजेंद्र कुमार ने बताया कि थाना की महिला हरभजनो देवी ने 112 नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पति केवल कृष्ण को कुछ लोग मारपीट करने के बाद अपने साथ ले गए हैं, जिस पर पुलिस की टीम तुरंत थाना पहुंची व शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करते हुए थोड़ी ही दूरी पर सड़क किनारे पड़ी केवल कृष्ण की गाड़ी को बरामद किया व केवल कृष्ण की तलाश शुरू कर दी। इतने में ही केवल कृष्ण उन्हें फतेहपुर में मिला। वहीं केवल सिंह के बयान पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मनोज ने बताया कि वो सब एक ही फर्म के शराब के ठेकों पर कार्यरत हैं। नियमों को ठेंगा दिखाते हुए इन लोगों ने बीती रात थाना क्षेत्र में नाका लगाया हुआ था, जिस दौरान केवल कृष्ण को उनके क्षेत्र की तरफ गाड़ी में कुछ शराब ले जाते हुए पकड़ा गया। वहीं एसपी नूरपुर अशोक रतन ने कहा कि पुलिस मामले पर कार्रवाई कर रही है, कानून को ताक पर रख कर किसी भी शराब माफिया को अधिकार नहीं है कि वो क्षेत्र में नाका लगा कर आने जाने वाले वाहनों को चेक करे। ऐसे मामलों पर पुलिस को उचित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। श्रीमती हरभजना देवी पत्नी केवल कृष्ण निवासी थाना ने 112 पर शिकायत दी थी कि इसके पति को कुछ लोगों ने मारपीट की है, जिस पर मैं अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचा। मौके पर शिकायतकर्ता की गाड़ी सड़क से नीचे गिरी हुई पड़ी क्षतिग्रस्त हालत में पाई गई। उसके बाद इसकी तलाश की तो केवल कृष्ण फतेहपुर में बरामद किया और जिसने बताया कि इसको शराब ठेका के कर्मचारी जो है और वो ले गए थे, उठा करके ले गए थे और इसने मारपीट की और इसे पूछ रहे कि भी गाड़ी में अवैध शराब ले जा रहा है और इसे अपनी गाड़ी में डालकर ज्वाली ले गई। वहाँ से इन्हें कुछ काफ़ी समय तक अपने पास रखा, बेइज्जत तौर पर रखा अपने पास और उसके बाद इसने छोड़ दिया। अभी चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जब प्रतिवादी पक्ष रविन, धीरज कुमार, सिकंदर और मनोज कुमार से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि यहाँ ये शराब के ठेका पर कर्मचारी हैं और जो अवैध शराब इनके इलाका में बेची जाती है उसके लिए नाका लगाते हैं और इन्हें पता चला कि ये केवल कृष्ण अपने गाड़ी में अवैध शराब ले जा रहा है तो उसका उन्होंने पीछा किया तो केवल कृष्ण ने आगे गाड़ी दौड़ाते हुए गाड़ी पलट दी और उन्होंने गाड़ी से उठा करके अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।